तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने वीडियोस में देखा है, राउंड टू हेल, एलविश यादव, बीबी की वाइंस, अमित बड़ाना और आशीष चंचलानी या फिर और जितने भी वाइनर्स हमारे यूट्यूब पर हैं, उन सबों ने एक बार इसका प्रमोशन किया है जिसका नाम है स्पॉइल ऐप। जी हाँ दोस्तों, और वो कहते हैं कि स्पॉइल ऐप से बिल्कुल एकदम खरीदारी करो और उतना आपको कैशबैक यानी कि फ्री में, अगर आपकी 1000 रुपये की टी शर्ट है तो वो 1000 के 1000 आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्पॉइल ऐप है, आप इसको यूज़ करो, चलाओ, लेकिन भाई कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। खूब लूटा जाता है, एक तरीके से फ्रॉड भी आप यहाँ पे कर सकते हो, मान सकते हो। हुआ कैसे मैं आपको बताऊँ दोस्तों। ये टी शर्ट आप देख रहे हो, ये टी शर्ट मैंने 1000 रुपये की स्पॉइल ऐप से खरीदी थी। लेकिन 1000 रुपये में किस तरह से हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। उसका कपड़ा जो है वो बहुत अलग है, और जो मैंने स्पॉइल ऐप पे, जैसे मैंने स्पॉइल ऐप ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने भी अपनी एक शर्ट देखी, टी शर्ट यहाँ पे, तो उसकी जो रेटिंग थी वो रेट था उसका 900 रुपये का, यानी कि 900 रुपये की टी शर्ट थी। और 900 रुपये की टी शर्ट को मैंने जब फ्लिपकार्ट पर देखा तो मैंने वहाँ से वही टी शर्ट खरीदी, तो वो टी शर्ट मेरे को आज 400 रुपये की मिली और जो कि मैं यहाँ पर पहन रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर सेम टी शर्ट जो है वो मेरे दोस्त ने ली, तो दोस्त ने वहाँ से जब ली तो उसको दिखा रहा था वहाँ पर 499 रुपये, यानी कि 500 रुपये की टी शर्ट दिखा रहा था। अब 500 रुपये की टी शर्ट अगर वो दिखा रहा है तो उसने उसको बाय कर लिया, यानी कि उसने उसको मंगा लिया। 3 दिन के बाद वो आती है तो 500 रुपये की टी शर्ट के अंदर उसमें 50 रुपये का डिलीवरी चार्ज लग जाता है, जो कि पहले नहीं बताते हैं। पहले इस चीज़ को बिल्कुल नहीं बताते कि आपका डिलीवरी चार्ज लग सकता है। तो जब वो वापस आया, घर पे पहुंचा, तो 500 रुपये डिलीवरी चार्ज देने में कोई बड़ी बात नहीं, दे दिया। लेकिन जब टी शर्ट देखी तो उसका जो कलर था वो बिल्कुल वही था जो आपने उसने स्पॉइल ऐप पे देखा था। लेकिन जब क्वालिटी के मामले में देखा तो उसकी जो क्वालिटी थी कपड़े की बिल्कुल बेकार थी, जो कि अकॉर्डिंग जब उसने वेबसाइट पर देखी स्पॉइल ऐप के, तो वहाँ पर उसकी क्वालिटी कुछ और नजर आ रही है और जब घर पर उसने देखी तो कुछ और है। तो उसके बाद उसने दोबारा फीडबैक डाला रिटर्न के लिए और रिटर्न कैश के लिए उसने डाला। तो 3 दिन के बाद लड़का आता है लेने के लिए और फिर से 50 रुपये उसमें लग जाते हैं आपके, तो 50 रुपये उसका डिलीवरी फिर से चार्ज लग गया। चार्ज लगने के बाद टी शर्ट पहुंच जाती है और उसके बाद एक छोटा सा मैसेज आता है कि आप अपने स्पॉइल ऐप में जो आपकी पेमेंट वापस आई है, इसमें से 2 बार हमारा डिलीवरी हुआ है, 2 बार डिलीवरी के 50-50 रुपये करके 100 रुपये हमने आपने काट लिए हैं और ये बाकी का अमाउंट जो है वो आपके बैंक में डल चुका है। तो इस तरह से भी हो सकता है आपके साथ फ्रॉड, तो उस चीज़ से भी आप बच सकते हैं स्पॉइल ऐप से। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा 100% स्पॉइल ऐप फेक नहीं है, ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आप 100% यहाँ से बाय कर सकते हो। जैसा कि अगर आपके पास कोई 300-400 रुपये की टी शर्ट है तो स्पॉइल ऐप से आपने 300-400 की खरीदी, उसमें आपको 150 या 100 पॉइंट मिल जाते हैं। जब 150 या 100 पॉइंट आपको मिल गए तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी शॉपिंग करोगे, जैसे मान लो आपने 300 रुपये की एक या 400 रुपये की एक टी शर्ट फिर से ली, तो 400 रुपये की टी शर्ट पे आपको कितने 200 पॉइंट अगर मिले हैं, तो 200 पॉइंट आपने वो दे दिए उसको और 200 रुपये आपने पेमेंट कर दी। तो 200 रुपये की जब आपने पेमेंट करी है तो वो आपका सीधा का सीधा पॉइंट वाला भी कैश में बदल गया और कैश जो था आपका 200 वो बढ़कर हो गया 400। तो 400 रुपये यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ होने के बाद आपको शर्ट मिल जाती है और ऑलमोस्ट जो आपकी डिलीवरी चार्ज लगता है वो उसमें मिलाकर आपके घर पहुँचा दी जाती है। तो स्पॉइल ऐप टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि फेक है, लेकिन बहुत बार यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कंपेयर अगर आप करना चाहो तो दोस्तों कंपेयर कोई कहीं भी नहीं कर सकता है। आज सिर्फ इतना है कि जितने भी लोग स्पॉइल ऐप से यूज़ कर रहे हैं, अपने शॉपिंग कर रहे हैं, उनके पास मिल तो रहा है, लेकिन आप अगर स्पॉइल ऐप को यूज़ करते हो और आप भी अगर शॉपिंग करते हो तो एक बात खास ध्यान रखें कि यहाँ पर स्पॉइल ऐप से आप कुछ भी मंगाएं तो सबसे पहले क्वालिटी को आप यहाँ पर चेक करें, नज़रअंदाज ना करें। चेक करने का मतलब जो क्वालिटी आपको मिल रही है, अगर सेम क्वालिटी घर पर आने के बाद मिलती है तभी आप उसको आगे बोलें, पेमेंट दें, अदरवाइज आप उसको पेमेंट ना करें। और अगर पेमेंट कर भी देते हैं तो उसको रिटर्न फटाफट डालें, उसको फीडबैक करके, और आपका पैसा वापस रिटर्न हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय।